नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। नमस्कार दोस्तों, मैं HSSC की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जो कलरक के लिए, वो उसमें आपका अपार सहयोग मिल रहा है। हर वीडियो पर बच्चों आपका इतना प्यार मिल रहा है, मैं आपका सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कलरक के लिए बच्चों आज मैं जो स्पेशल है ना, पॉलिटिकल साइंस के आज ना 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आज तक HSSC ने ना बार बार रिपीट किए हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। Article 72 यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमादान, क्योंकि बच्चों एक ना मृत्यु दंड को है ना, एक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ना कोई चीज़ थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकती है तो वो है राष्ट्रपति, और वो है ना राष्ट्रपति क्षमादान मृत्यु दंड को ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में बदल सकता है उम्र कैद में। तो राष्ट्रपति क्षमादान का वर्णन किस में मिलेगा, Article 72 में मिलेगा। एक बार आया था कि अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री किसे चुना गया, आसफ अली, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आसफ अली को क्या चुना गया था, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री चुना गया था, इनको क्या चुना गया था, रेल मंत्री चुना गया था। आगे आता है बच्चों, ये क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जी वी मावलनकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जी वी मावलनकर, इनका पूरा नाम आएगा बच्चों गणेश वासुदेव मावलनकर, जी वी मावलनकर का क्या था पूरा नाम था, ये क्या था बच्चों, ये लोकसभा के, अभी आपको पता है ओम प्रकाश बिड़ला जो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है, पहले याद कर लेना गणेश वासुदेव मावलनकर रहेंगे। एक बार आया था 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, बच्चों 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन है ना 1976 में किया गया, और बच्चों 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही ना सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है और रूस से लिए गए हैं, यानी 51A में रहेगा। कल आंसर क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इसे बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ना पहली बार किस में बदलाव किया गया था, प्रस्तावना में बदलाव किया गया था, पहली बार बच्चों प्रस्तावना में एक बार बदलाव हुआ है, वो कब हुआ था, 1976 में। आगे आता है बच्चों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, ये 22 जुलाई 1947, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का, किसका बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज का क्या अपनाया था, प्रारूप अपनाया था, संविधान सभा ने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आया पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 बच्चों, 3 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा का गठन हुआ, और वर्तमान में आपसे पूछे कौन सी राज्यसभा चल रही है, आपका आंसर होगा पहली, क्योंकि बच्चों राज्यसभा कैसा सदन होता है, एक स्थायी सदन होता है, और राज्यसभा को हम क्या नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा का अगर पूछे ना सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, कितना होता है, 6 वर्ष होता है। आगे आए स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो बच्चों 1853 में किसका गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था 1853 में, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था 1953 में बच्चों, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये चीज़ें है ना बच्चों साथ साथ है ना, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बच्चों आने के पूरे पूरे चांसेज
रहेंगे। आप है ना थोड़ा सा इनका ना ध्यान रखना बच्चों, ये एग्ज़ाम में आएंगे। आगे आता है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में, किसकी स्वतंत्रता का वर्णन है बच्चों, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस आर्टिकल में रहेगा, इसमें बच्चों प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी आ जाएगा, RTI भी आ जाएगा जो 2005 में आया, और बच्चों इसमें झंडा फहराने की भी आज़ादी आ जाएगी जो हमें 2004 में मिली। तो प्रेस की स्वतंत्रता ये किसके अंतर्गत आती है, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी के तहत आती है। तो अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी बच्चों उस टाइम तक मानी जाएगी जब तक वो देश में हित में है। अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी आप कुछ भी बोल कर कह सकते हो, इसका मतलब नहीं है कि बाहर जाते ही आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाओ, ऐसा करते ही बच्चों आपसे अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी छीनी भी जा सकती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे आया था बच्चों मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की, अभी तो कराया ना मौलिक कर्तव्यों को, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा अपनाया गया था। आगे आता है बच्चों राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में किसे घोषित किया गया, राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में ना किसको घोषित किया गया था बच्चों, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था, 2010 में घोषित किया गया था। आगे आता है बच्चों संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन होते थे बच्चों, कौन होते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते थे। कौन होते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते थे। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन होते थे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते थे। और आपसे पूछ लिया जाए बच्चों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते थे। कौन होते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष होते थे, प्रारूप समिति के। एक बार आया था बच्चों प्रारूप समिति कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। एक बार आया था इसमें कितने सदस्य होते थे, 7 सदस्य होते थे। एक बार आया था भारत का संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस समिति का था, तो किस समिति का था, प्रारूप समिति का भारत का संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ये कब बनी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। आगे आता है बच्चों कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का संबंध किस अनुसूची में है, तो बच्चों अनुसूचित जाति यानी SC और ST का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है। बच्चों आपको पहली बार बताया था पहली अनुसूची में देश में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन मिलेगा, और दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। किसका वर्णन मिलेगा, पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। तीसरी में किसका वर्णन मिलता है बच्चों, शपथ का वर्णन मिलता है। और चौथी में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व। और पांचवी किससे रिलेटेड है, SC और ST एक्ट से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है, 5वीं। आगे आता है बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 26 में किसके कार्यों के लिए धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत दी गई है, 26 के लिए बच्चों। धार्मिक यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धार्मिक मामलों से संबंधित कौन सा आर्टिकल रहेगा, 26 आर्टिकल रहेगा, किससे रिलेटेड रहेगा। इसमें क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों कि किस आर्टिकल के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे आता है बच्चों वित्तीय आपातकाल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन बच्चों संविधान के आर्टिकल 360 में है, और आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। 352 के तहत बच्चों राष्ट्रपति शासन है कि कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे तो राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 है बच्चों राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी राज्य के संवैधानिक मशीनरी काम करना बंद कर दे, तो 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन। और 368 के तहत मैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद की वीडियो बनाऊंगा बच्चों, 368 के तहत किसका वर्णन मिलता है, 368 के तहत बच्चों संविधान में क्या होता है, संविधान में
संशोधन होता है। 368 के तहत संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। आगे आता है बच्चों कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष बच्चों 61वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी वोट डालने की एज बच्चों 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे आता है बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? 315 आर्टिकल 315 के तहत क्या होगा बच्चों? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी बोलते हो संघ लोक सेवा आयोग। अगर आपसे पूछे ना अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं का, तो अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन बच्चों 300 आर्टिकल 312 में किसका वर्णन मिलता है? अखिल भारतीय। आपसे पूछे बच्चों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वर्णन किस में है? 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक बार आया था, क्या काम करता था? देश की वित्तीय जो वित्तीय है रिपोर्ट कौन तैयार करता है, जिसे केक बोलते हैं बच्चों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हमें बोल सकते हैं। आगे आता है बच्चों जम्मू कश्मीर का अलग संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। इम्पोर्टेंट है बच्चों जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान कब लागू हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का बच्चों अलग से संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का। अब तो जम्मू कश्मीर से बच्चों 35A और 370 भी हटने का ये जो चर्चा में रहा है, लेकिन इसका संविधान आएगा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को इसको मतलब अलग से संविधान लागू होगा, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आगे आता है बच्चों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कौन से शब्द जोड़े गए थे बच्चों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता। तीन शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे आता है बच्चों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण के आधार पर, यानी राष्ट्रपति है बच्चों वो संविधान से ऊपर नहीं है, अगर संविधान का वो दुरुपयोग करे तो उस पर क्या लग सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग बच्चों से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ना जानकारी देनी होती है, और महाभियोग बच्चों लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। आगे आता है बच्चों कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है ना कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। और एक बार आया था कि कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? बच्चों मौलिक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और बच्चों आज संपत्ति का अधिकार है ना पेपर में आएगा, कब हटाया गया था? 1978 में बच्चों संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। आपको बताना है बच्चों 1978 में किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। और बच्चों ये जो टेस्ट सीरीज हमने पॉलिटिकल साइंस की है ना, ये कल रख के एग्ज़ाम से पहले मेन सारे क्वेश्चन है ना बच्चों टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और बच्चों इसका टेस्ट देना चाहते हो तो दुरीना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो डाउनलोड कर लेना। और बच्चों उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।